प्रदेश में बढ़ते अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जनाधार व कार्य प्रणाली से खिन्न होकर राजनीतिक दबाव में अधिकारियों द्वारा प्रधानों का शोषण किया जा रहा है, जिसके विरोध में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव भूषण उपाध्याय व जनपद भदोही की जिला कमेटी की मौजूदगी में एक ज्ञापन जिला अधिकारियों भदोही को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन व प्रधानों की एकजुटता को देख वर्तमान राजनेता घबरा गए हैं और वह संगठन व प्रधानों को तोड़ने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं। वह प्रधानों को अधिकारियों पर दबाव बनाकर झूठे मुकदमे में फंसाकर उन पर झूठी कार्यवाही करा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में देखने को मिला, जिसमें वर्तमान समय में 45 प्रधानों के खिलाफ झूठे मुकदमे को लेकर जांच चल रही है और वह प्रधानों का शोषण कर उनसे अवैध वसूली भी कर रहे हैं, जिसकी अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने घोर निंदा की और साथ ही जिला अधिकारी भदोही को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आपकी सरकार व सरकारी अधिकारी ये न सोचें कि प्रधानों को झूठे मुकदमे में फंसाकर उन्हें उनकी राह से भटका दिया जाएगा, लेकिन वह गलत सोच रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी प्रधान साथी अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। यदि प्रधान साथियों को विकास कार्य बहिष्कार कर आंदोलन भी करना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव भूषण उपाध्याय, जिला अध्यक्ष भदोही डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र, जिला उपाध्यक्ष अजीत यादव, श्री राम मिश्र, नित्यानंद सुशील त्रिपाठी, ब्लॉक अध्यक्ष जगदम्बा शुक्ल, चंद्रशेखर यादव, पवन सिंह, रमेश यादव, अनिल दुबे आदि मौजूद रहे।